شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. सूरह मुबारक बकरा आया करीमा वइद नज्जैनाकुम मिन आले फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युदब्बिहून अबनाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को वो नेमतें याद दिलाई हैं जो अल्लाह की तरफ़ से उन्हें अता हुई हैं और जिनकी बिना पर बनी इसराइल को आलमीन पर बरतरी हासिल हुई है, गलबा हासिल हुआ है। उन नेमतों के शुमार में पहली नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने आले फ़िरऔन से निजात को करार दिया है। बनी इसराइल आले फ़िरऔन के असीर व ग़ुलाम बन गए थे दो असबाब के नतीजे में। एक वो असबाब थे बाइस बने जो आले फ़िरऔन और फ़िरऔनी निज़ाम, फ़िरऔनी तर्ज़ हुकूमत और फ़िरऔनी सल्तनत व रियासत का लाजमा व ख़ासा होता है कि जहाँ भी फ़िरऔनी निज़ाम कायम होगा वो लोगों को अपना ग़ुलाम और असीर व महकूम बना लेता है, उनकी तहक़ीर करता है और तज़लील करता है। और दूसरी वजह बनी इसराइल की अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन्हें असबाब फ़राहम किए, जो वसाइल दिए, जो नेमतें दी असीर बनने से पहले, जैसे आला ख़ानदान अता किया, अम्बिया की औलाद और अम्बिया की तालीमात जैसी नेमतें इन्हें अल्लाह ने अता की, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर कुछ समाजी और कुछ अखलाकी कमज़ोरियाँ पैदा हुईं जिनके नतीजे में ये एक बड़ी जमीयत मिस्र में होने के बावजूद अहले मिस्र के और आले फ़िरऔन के ग़ुलाम बन गए और महकूम बन गए। क़ुरान करीम ने इन दोनों खसूसियात की तरफ इशारा किया है। वो फ़िरऔनी खसूसियात जो बनी इसराइल की असारत, ज़िल्लत और ख़ारी का बाइस बनी, और वो बनी इसराइल की कमज़ोरियाँ जो उन्हें ज़लील व ख़ार करने में मुअस्सर साबित हुईं। ये दोनों मरहले बनी इसराइल ने देखे हैं। पहले इज़्ज़त व एहतराम के साथ मिस्र में गए हैं हिजरत करके, अपने रिज़्क़ और रोज़ी की तलाश में, मईशत की तलाश में, भूख, इफ़लास और फाक़ा से बचने के लिए एक आबाद सल्तनत में जाकर ज़िंदगी बसर करना शुरू की और वहीं पर इनकी नस्लें पैदा हुई और फैल गईं। वो अमल जो आज मुसलमान तकरारन कर रहे हैं, जो बनी इसराइल ने पहले किया था तारीख़ में, कि अपनी मईशती मुश्किलात से निकलने के लिए दूसरी सरज़मीनों पे जाकर ज़िंदगी गुजारने को इन्होंने पसंद किया। और आज मुसलमान ये हिकमत अमली अपनाए हुए हैं कि अपनी औलाद और अपने ख़ानदान की मईशत के लिए, रिज़्क़ के लिए, माश के लिए दीगर सरज़मीनों में जाकर अपनी औलाद को ले जाकर अपने ख़ानदान को आबाद कर रहे हैं और वहीं पर इनकी नस्लें फैल रही हैं और तदरीजन इनके साथ वही काम हो रहा है जो आले फ़िरऔन ने मिस्र के साथ किया। यानी महकूमी व ग़ुलामी, क़त्ल अबना व इस्तिहया निसा, इनके बच्चों का कत्ल और इनकी औरतों को ज़िंदा रखना अखलाकी मफासिद के लिए या समाजी बुराइयों के लिए औरतों को ज़िंदा रखना और इस्तेमाल करना। इसलिए ये बाब क़ुरान का आज के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसन बहुत अहम है। एक तरह से मुताबकत है इसकी आज के मुसलमानों की बनी इसराइल की तारीख़ के साथ। आले फ़िरऔन के हुकूमत में बनी इसराइल का जाना पहले फ़खरिया अंदाज़ में इज़्ज़त व एहतराम के साथ, और फिर वहाँ जाकर आबाद होना और नस्लें अपनी बढ़ाना, और फिर आले फ़िरऔन के खसाइल से गफलत बरतना और अपनी कमज़ोरियों को ज़ाहिर करना, ये बायस बना कि जहाँ रिज़्क़ और रोज़ी के लिए गए थे, आसाइश और रिफ़ाह के लिए गए थे, खुशहाल और आसूदा ज़िंदगी के लिए गए थे, अब वहाँ पर असीर व ग़ुलाम और महकूम हैं। ये फ़िरऔनी रवैया है मुहाजरों के साथ, जो फ़क़्र व फ़ाक़ा की वजह से अमीर और सरवतमंद सरज़मीनों को इंतख़ाब करते हैं। उनका अंजाम क़ुरान बता रहा है कि अगर उनके अंदर कमज़ोरियाँ हों, ज़ाहिर है ये दूसरी सरज़मीन पर जाकर सरवतमंद सरज़मीन पर जाना, अपनी पसमानदा सरज़मीन को आबाद ना करना, ये आखिरकार ग़ुलामी पर ही जाकर मुंतज होता है ये नुक्ता। और बनी इसराइल के साथ ये कुछ हुआ, और फिर जब उन्होंने एक तुलानी जलीलाना ज़िंदगी बसर की मिस्र के अंदर आले फ़िरऔन के जुल्म व सितम के तहत, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी निजात के लिए एहतमाम किया, और इनकी निजात इनके अंदर से ही एक नौमौलूद से शुरू की, एक रहबर जो पैदाइश से ही अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया उसे, और उसे बनी इसराइल की निजात के लिए तैयार किया, मुख्तलिफ़ मरहलों से मरहलावार उसकी तरबियत की। पहला मरहला बनी इसराइल की असारत का है। हिजरत के बाद वहाँ जाकर मुक़ीम हुए, और एक तुलानी ज़माने में इनकी नस्लें फैली वहाँ पर, और फिर उसके बाद ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी शुरू हुई जो सदियों पर मोहित है, और उस वक्त तक इनकी एक अच्छी खासी आबादी बन चुकी थी। लाखों की तादाद में बनी इसराइल मिस्र में जाकर आबाद हुए, और वो ज़िंदगी इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हुई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं में से इनकी निजात के लिए असबाब फराहम किए, और उसका आगाज़ इनके रहबर से किया। पैदाइश से ही रहबर को उस ग़ुलामाना तरबियती माहौल से बाहर निकाल दिया कि रहबर कभी भी ग़ुलामों के अंदर परवरिश नहीं पा सकता। रहबर को वही तालीम देंगे, ग़ुलाम ग़ुलामों वाली तालीम देंगे। अगर वो रहबर बन भी गया तो ग़ुलामी का ही रहबर बनेगा, आज़ादी का रहबर नहीं बन सकता। लिहाजा मौलूद को अपने ख़ानदान से निकाल के फ़िरऔन के घर पहुंचा दिया, ताकि वहाँ पर परवरिश पाए और जुल्म व सितम को आँखों से देखे, मुशाहदा करें, और फ़िरऔनी निज़ाम के हकीकत से आशना हो जाए, जिसका उसने कलाकमा करना है, जिसका तख्त उल्टना है, उसे आँखों से देख ले, सुनी सुनाई कहानियों पर एतबार ना करे। और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार किया और आमादा किया मुख्तलिफ़ मराहिल से। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस रहबर को आमादा कर दिया, तो वो उसने आकर बनी इसराइल को फ़िरऔनी जुल्म व सितम से निजात दी, असारत व ग़ुलामी और ज़िल्लत से निजात दी। उसकी तफसील अभी क़ुरान ने बयान करना शुरू की है, यानी इसके बाद वाली आयत है कि व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। अब अमलन इनकी आज़ादी के लिए जो तहरीक हज़रत मूसा ने शुरू की वो अपने कामयाबी के मराहिल तक जा पहुँची और उसमें अब गर्क फ़िरऔन का मरहला आ पहुँचा। लेकिन इस सारे अमल को बनी इसराइल का आले फ़िरऔन के आगे तस्लीम होना, ज़लील होना, असीर होना, ग़ुलाम बनना और फिर उस हालत से, रुसवाई से और ज़िल्लत बार ज़िंदगी से निजात, इसको कुरान ने फरमाया है वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। ये तुम्हारे वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बला थी, बड़ी बला थी। ये असारत भी और निजात भी दोनों, ये पूरा मरहला ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बला थी। और ये कुरान मजीद का बुनियादी साबता है, बला व इब्तला। जैसे इस माजरा में भी कुरान करीम ने ज़िक्र किया है और इसके बाद अब कसरत से मुख्तलिफ़ आयात में ये मज़मून तकरार होता रहेगा, मुख्तलिफ़ पैराई में और मुख्तलिफ़ सयाक़ में। बला उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लेकिन अपने असली माना में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अपने दूसरे माना में, तहरीफ़ शुदा माना में इस्तेमाल होता है। उमूमन उर्दू में या उर्दू से मुतल्लिक़ा दीगर ज़बानों में, पंजाबी और गैर पंजाबी में भला का लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल होता है और उससे मुराद मुसीबत ली जाती है, बड़ी मुसीबत, कोई दुख तकलीफ़ या आफत, ऐसी आफत जो इंसान की ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दे, इसको उमूमन बला कहा जाता है। लेकिन ये नहीं है, बला का ये लफ्ज़ी माना नहीं है, चूँकि बला उर्दू लफ्ज़ नहीं है, उर्दू लुगत नहीं है, बल्कि अरबी लुगत है और अरबी से ही ये लफ्ज़ मुंतकिल हुआ है उर्दू के अंदर। फ़ारसी के लफ्ज़ भी नहीं है ये बला, हिंदी लफ्ज़ भी नहीं है, खालिस अरबी लफ्ज़ है। और जो अल्फाज किसी ज़बान से दूसरी ज़बान में मुंतकिल होते हैं तो उमूमन अपने हकीकी असली साबका ज़बान के मानी में ही इस्तेमाल होते हैं दूसरी ज़बान के अंदर। लेकिन बाज़ औक़ात वो अल्फाज अपने मानी तब्दील कर देते हैं या उन्हें उन मानी में इस्तेमाल नहीं किया जाता जिनके लिए ये लफ्ज़ मुकर्रर हुए हैं, उन्हें किसी दूसरे माना में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बला उर्दू में ऐसा ही हुआ है, असल किसी और माना के लिए मुकर्रर हुआ था अरबी में, लेकिन उर्दू में आकर किसी और माना में इस्तेमाल होता है। अहले लुगत ने इसके दो मादा ज़िक्र किए हैं, अगरचे दो नहीं हैं, लेकिन चूँकि इस तरह के अक़वाल अरब लुगत में मौजूद हैं, इस वजह से अहले लुगत ने दोनों ज़िक्र कर दिए हैं कि आया ये लफ्ज़ बालावा से, बलव से मुश्तक है, बना है, बे लाम वाओ से बना है या बलाया से बना है, बे लाम या से बना है, ये से बना है। हर दो सूरतों में माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अगर तय पाए कि ये लफ्ज़ बला का लफ्ज़ बालावा से निकला है तो इसका माना क्या होगा, या अगर बालाया से बना है तो इसका क्या माना होगा। बाज़ अहले लुगत ने इनको दो अलग लफ्ज़ और दो अलग मादे शुमार किया है कि बालावा वाला बला वो और माना का है और बालाया से जो इब्तला है वो और माना है। लेकिन ये दकीक कौल नहीं है, दुरुस्त यह है कि इसका एक ही मादा है और वही मादा दोनों सूरतों में ज़िक्र किया जाता है। बुनियादी तौर पर ये लफ्ज़ इसी बालावा से ही बना है और बालाया भी का माना अलग नहीं है, इसी माना की तरफ पलटता है। कसरत से कुरान करीम ने इसे इस्तेमाल किया है। लुगत में बला, इब्तला, मुबतला और इससे मिलते जुलते दीगर अल्फाज जो क़ुरान करीम ने इस्तेमाल किए हैं, ये इस्तेमाल होते हैं कि जब किसी चीज़ को समझने के लिए उसकी पायदारी, उसकी हकीकत, उसकी बनावट जानने के लिए कि ये कितनी पायदार चीज़ है, काबिल एतमाद चीज़ है, हम इसे इस्तेमाल करें, ख़रीदें ना ख़रीदें, इसको अपने इस्तेमाल में लाएं हम या ना, पहले इंसान उसको जांचता है, परखता है। जिन चीज़ों के बारे में इंसान को मालूम हो जाए, तस्दीक व तसल्ली हो जाए कि ये अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं और पायदार हैं, इनमें इस्तेमाल होने वाला मवाद अच्छा मवाद इस्तेमाल हुआ है, तो उन्हें लोग ख़रीद लेते हैं। ये कभी दूसरों के इस्तेमाल के नतीजे में हमें अंदाज़ा होता है। हम किसी और से पूछते हैं कि आपने ये चीज़ इस्तेमाल की है, कैसी पाई आपने, तो वो बता देता है मेरा तजर्बा अच्छा रहा या बुरा रहा, दोनों सूरतों में दूसरों को बता देता है कि मैंने ये चीज़ ली, ख़रीदी, इस्तेमाल की और अच्छा नतीजा निकला, अच्छा रिज़ल्ट था इसका। दूसरा आदमी भी एतमाद करके वही चीज़ ख़रीद लेता है और इस्तेमाल में ले आता है। लेकिन कभी कभार दूसरों का इस बारे में कोई तजर्बा नहीं होता, नई चीज़ आई है और अभी दूसरों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया और हमें भी नहीं मालूम कि अगर ये हम ले लें और इसको इस्तेमाल करें तो नतीजा इसका क्या होगा। इसलिए उसे आजमाइशी तौर पर लिया जाता है, लेके उसको कुछ मुद्दत के लिए आजमाइशी तौर पर आजमाया जाता है, इम्तहानी तौर पर उसको देखा जाता है, या मुहर्रफ़ उर्दू के बकौल के टेस्ट किया जाता है उसको कि आया ये चीज़ दुरुस्त है, पायदार है, मज़बूत है, खालिस है या नहीं है। आए रोज़ ये काम लोग करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। मसलन खाने की नित नई चीज़ें मुतारफ़ होती हैं जो हमें नहीं पता होती, दूसरों को भी नहीं मालूम, चूँकि बाज़ार में नई आई हैं, तजर्बाशुदा नहीं है, आज़मूदा नहीं है, पहले से कई नस्लें इसको इस्तेमाल नहीं कर रहीं, अभी ये चीज़ें बाज़ार में आई हैं, तो उनको इंसान ले के आज़माता है और आज़माने के बाद फिर अगर आज़माइश में दुरुस्त निकलें तो इंसान इन्हें बड़ी मकदार में ले लेता है या ज़रूरी मकदार में ले लेता है, और अगर ना निकलें, ये मुनासिब ना निकलें, तो इन्हें छोड़ देता है। खुसूसन कदीम ज़माने में जो कपड़े की ख़रीदो फ़रोख्त थी लिबास के लिए, तो जो बाज़ारों में कपड़ा मिलता था लोग इस्तेमाल करते थे। इसी तरह करते थे कि जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है कपड़ा, उसके बारे में एतमाद होता था, चूँकि ज़्यादातर लोग ये कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि ये कपड़ा इन्होंने इस्तेमाल करके टेस्ट कर लिया है, आज़मा लिया है और नतीजा इसका अच्छा है, मुनासिब है, अच्छा कपड़ा है, ये देरपा है, ज़्यादा देर तक रहता है, पोसीदा नहीं होता, इसके अंदर कोई और खलल नहीं होता, धुलने में अच्छा है, पायदारी में अच्छा है, तो वो कपड़ा बाकी भी ख़रीदते रहते हैं। उमूमन ऐसा ही माहौल है। लेकिन अगर कोई नया कपड़ा, नई साख्त बाज़ार में आए जिसके बारे में पहले मालूम ना हो, नया कपड़ा जब बाज़ार में आता है किसी को नहीं पता होता कि ये कैसा है, पायदारी में कैसा है और इस्तिफादे में कैसा है। जब इंसान इसको इस्तेमाल में लाता है, पहनता है, तो जो उमूमन कपड़े के नकाइस होते हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, उस लिहाज से ये आज़मूदा नहीं है। लिहाजा इसको आज़माइशी तौर पर लोग लेते हैं या बेचने वाले आज़माइशी तौर पर किसी को देते हैं कि ये कुछ अरसा आप जाकर इस्तेमाल करें और इस्तेमाल के बाद फिर हमें बताएं आकर के इसमें क्या ख़राबियां हैं और क्या ख़ूबियां हैं, ताकि हम उसके मुताबिक आगे बेचें या बनाएं। उस आज़माइश में जब कपड़ा ज़रा बार बार पहनना पड़ता है, एक दफ़ा पहनने से कपड़ा मालूम नहीं होता उसका हाल कि ये किस तरह का है, उसको बार बार पहनने से अंदाज़ा होता है कि कैसा है ये कपड़ा, यानी पहनी मैला हो फिर उसको धोएं, फिर उसे इस्त्री करें, फिर दोबारा पहने, और इस तरह मुतअद्दिद मरतबा पहनने से अंदाज़ा होता है कपड़े की जिनसियत कैसे है, कपड़े की नौइयत कैसे है, कपड़े का मवाद कैसा है और रंग इसका खुरता है नहीं खुरता, इसके ऊपर बुर उबरती है नहीं उबरती, ये पानी में श्रिंक होता है नहीं होता। ये पहनने से, कपड़े को इस्तेमाल करने से ये नतीजा हासिल होता है, उसकी हकीकत पता चलती है। इसी को बल ये कहते हैं या बल इसी चीज़ को कहते हैं कि कपड़ा पहनकर ज़्यादा देर तक पहने रखने से इतना पहने के पोसीदा हो जाए, यानी कपड़ा नया जब होता है तो उसके अंदर एक ताज़गी होती है कपड़े के अंदर, लेकिन तदरीजन पहनने से आहिस्ता आहिस्ता उसका जो कपड़े की नए कपड़े की बनावट होती है वो ख़त्म होती जाती है, उसकी बनावट और उसकी रंगत और उस कपड़े की ज़ाहरी हालत तदरीजन बदलती रहती है। और हमारे पास हैं दोनों किस्म के लिबास हैं, सब के पास, नया जोड़ा जो सिलवाया हुआ है और पुराने कपड़े जो 2-3 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार धुले हैं। वो जो बार बार धुले हैं उनकी रंगत में एक फ़र्क आ गया है, उनके बाकी कैफियत में फ़र्क आ गया है, उनकी बनावट में जो धागा बना हुआ था उसके अंदर फ़र्क आ गया है। इसको पोसीदा कपड़ा कहते हैं, यानी आजमाया हुआ कपड़ा जो पहन के इंसान ने पुराना कर दिया है, कोहना कपड़ा, पुराना कपड़ा। पुराना कपड़ा अपनी शक्ल से ही नज़र आ जाता है कि ज़्यादा इस्तेमाल होने से पुराना हो गया है। पुराना कदीम के माना में नहीं है, मुमकिन है एक इंसान ने कपड़ा जोड़ा बनाया हुआ हो बहुत पहले से, 3 साल 4 साल से, लेकिन पहना नहीं है, ये कदीम है, पुराना नहीं है। पुराना उसको भी कहते हैं जिस पर ज़माना भी ज़्यादा गुजरा हो और जो इस्तेमाल भी ज़्यादा हुआ हो, उसको पुराना कहते हैं। वरना जिस पर ज़माना ज़्यादा गुजरा है, 3-4 साल से कपड़ा लेके रखा हुआ है, पहना नहीं है, तो वो पुराना नहीं कहलाता, नया है, वो अभी नया कपड़ा है चूँकि इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बुरा रवाज है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, बाकी जगहों पर भी होगा, कि शादियों के मौक़ों पर दिखाने के लिए, दिखावे के तौर पर, इसराफ के तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा लिबास ख़रीद लिए जाते हैं, दुल्हन के लिए, दूल्हा के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए ज़रूरत से ज़्यादा लिबास ले लेते हैं। बसा औक़ात तो ऐसे इफ़राती और इसराफ़ी ख़ानदान हैं, 100-100 जोड़ा बना लेते हैं। 100 जोड़ा पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है, लेकिन वो दिखावे के लिए, लोगों को अपनी सरवत की नुमाइश के लिए ये काम करते हैं, जो किसी लिहाज से भी जायज़ नहीं है, किसी पैमाने से भी, ना शरअन जायज़ है, ना अक़लन जायज़ है, ना उर्फ़न जायज़ है, ना क़ानूनन जायज़ है। लेकिन ये मुसलमानों में, गैर मुसलमानों में, शिया सुन्नी में, मोमिन मुतदय्यन, सब के अंदर ये रवाज है। बल्कि अब तो शादियाँ हैं ही सरवत की नुमाइश के लिए हैं, अरबों रुपए खर्च करके शादियाँ की जाती हैं और ग़रीब जिनके पास नहीं है वो भी गुर्दे बेच के महंगी शादियाँ, महंगे खाने, महंगी डिशें, महंगे लिबास, कि ये एक जुर्म है, हराम काम है जो रवाज बन गया है। खूब उसमें एक काम ये होता है कि लिबास ज़्यादा ख़रीद लेते हैं जो पहनते नहीं हैं, क्योंकि जो लिबास आज इस साल ख़रीदा है आपने, अगले साल इसका फ़ैशन ही ख़त्म हो गया है, इसका इस्तेमाल ही ख़त्म हो गया है, लिहाजा ये संदूकों में पड़ा रहता है, किसी को देते भी नहीं, किसी और ज़रूरतमंद को भी नहीं देते, अपने घरों में रखते हैं, 10 साल बाद निकालते हैं फिर भी नया होता है। ये पुराना नहीं कहलाता, ये नया कपड़ा है, लेकिन ख़रीदा हुआ कदीम से है, पहले से ख़रीदा हुआ है, इसको पुराना नहीं कहते। ये नया लिबास है लेकिन ज़माना इसके ऊपर ज़्यादा गुजर गया है, इस्तेमाल नहीं हुआ। पुराना कपड़ा उसको कहते हैं जो इस्तेमाल करके पुराना कर दिया जाए। मसलन मुमकिन है 6 महीने, जैसे बाज़ मेहनती लोग हैं, मज़दूर तबका है, ये साल में लिबास ईद पे लेते हैं और छोटी ईद पे लिबास लेते हैं, बड़ी ईद तक उसको पुराना कर चुके होते हैं, जो कि कम लिबास है, बार बार इसको पहनते हैं, इसी के साथ कामकाज करते हैं, इसी के साथ मेहनत मजदूरी करते हैं। 3 महीने बाद ये कपड़ा इनका पुराना हो जाता है, पोसीदा हो जाता है। अरबी में इसी को बालगी या बालव कहते हैं कि कपड़ा पहनकर उसको पुराना कर देना, उसको कोहना कर देना, उसको पोसीदा कर देना। इस्तेमाल करके इतना ज़्यादा इस्तेमाल करें कि वो घिस जाए और पुराना हो जाए। इसको अरबी ज़बान में बालव या बालिय कहते हैं, दोनों मादा का एक ही माना है। और इसके कुछ लवाजमात हैं। जब इंसान इतनी कसरत से लिबास पहनता है और उसको धोता रहता है, मुख्तलिफ मौक़े पर उसको पहनता है, गर्मियों में उसको पहनता है, सर्दियों में उसको पहनता है, मुख्तलिफ मवाद से उसको धोता है, इस्त्री करता है, तो उस कपड़े की सारी खूबियाँ और कमज़ोरियाँ सामने आ जाती हैं। बस कुछ कपड़े ऐसे हैं जो सही इस्त्री नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जो धुलने में मुश्किल होती है, आसानी से साफ़ नहीं होते, ऐसा मवाद इस्तेमाल किया गया उनके अंदर कि आसानी से साफ़ नहीं होते। जैसे पाकिस्तान में या रतूबत वाले इलाक़ों में रवाज है कि वो रतूबत के दिनों में, बरसात के दिनों में, जब हब्स का दिन होते हैं तो सूती लिबास पहनते हैं, काटन का। अब ये कपड़ा इस लिहाज से कि मौसम के लिहाज से बेहतरीन है कि हब्स में इंसान को आसूदा रखता है, बरखिलाफ रेशमी कपड़े के कि वो तकलीफ़ देता है, हब्स के दिनों में इंसान के लिए ख़ुद एक अजाब बन जाता है। लेकिन ये काटन वाला कपड़ा ये इस्त्री नहीं होता, इसको उमूमन इस्त्री कराने के लिए लॉन्ड्री में ले जाते हैं, इसको कल्फ लगाते हैं और मुख्तलिफ हीले जतन करके इसको पहनते हैं। पहनने के एक दिन मुश्किल से निकालता है और फिर इसके अंदर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चोंटें पड़ जाती हैं और दूसरे दिन के पहनने के काबिल नहीं होता। अब पहनने से अंदाज़ा होता है कि कौन सा कपड़ा धुलने में कैसा है, कौन सा कपड़ा इस्त्री में कैसा है, कौन सा कपड़ा गर्द गुबार जज़ब करने में कैसा है, कौन सा कपड़ा बदन को आराम और सुकून देने में कैसा है। ये कपड़ों के इस्तेमाल से अंदाज़ा होता है। इसी को आजमाइश कहते हैं। आजमाइश का मतलब यही होता है कि आप इस्तेमाल करके उसको देखें, उसकी खूबियाँ, उसकी कमज़ोरियाँ देखें, उसके फ़वाइद, उसके नुकसानात देखें और नतीजा इस्तेमाल के बाद सामने आता है कि ये कपड़ा इस खसूसियत का मालिक है। लिहाजा बहुत सारे लोग हैं एक जोड़ा कभी बनाते हैं कपड़े का, फिर दोबारा उस तरह का नहीं ख़रीदते लिबास, चूँकि एक दफ़ा जो ख़रीद के इस्तेमाल किया है तो अंदाज़ा हो गया है कि ये चीज़ सही नहीं है। ये जूता ख़रीदते हैं और वो जूता लेके इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उस ब्रांड का या उस कंपनी का उस तरह का दूसरा जूता नहीं लेते। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जब एक दफ़ा लिबास ख़रीदा, इस्तेमाल किया या जूता ख़रीदा, दोबारा उसी कंपनी और उसी फैक्ट्री और उसी कारखाने का और उसी जिन्स का दोबारा ख़रीदते हैं, चूँकि आजमाइश में पहनने में ये साबित हो गया कि ये बेहतरीन लिबास है या ये बेहतरीन जूता है। हर दो सूरतों में लिबास को पहन के, इस्तेमाल करके, कोहना पराना पोसीदा करके देख लेना कि इसकी खसूसियात क्या हैं, ये बालव का माना है, ये इब्तला का माना है। आजमाने के बाद उसकी खूबियाँ या उसकी खामियाँ सामने आ जाएं, यानी परख लिया जाए। असल इब्तला आजमाने को कहते हैं, यानी इस्तेमाल करके पुराना करना, ज़्यादा इस्तेमाल करने को बालव कहते हैं, किसी चीज़ के ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल को बालव कहते हैं। लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि इस कसरत इस्तेमाल के नतीजे में इंसान को उस ज़ेर इस्तेमाल चीज़ की हकीकत भी सामने समझ में आ जाती है और आगाह हो जाता है आदमी। ये आगाही और जांच ये लाजमा है इस्तेमाल का, और उसके बाद आदमी फिर आगे फिर फैसला करता है कि मैंने अब आगे दोबारा ये काम तकरार करना है या नहीं करना। ये लिबास के लिए अरब ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, चूँकि लिबास वो ख़ुद बनाते थे, ऊँटों की ऊन से, ऊँटों के बालों से धागे बनाते थे, फिर उन्हीं से कपड़ा बनाते थे ख़ुद ही अपने घरों में खड्डियों पर, या भेड़ बकरियों के बाल से वो कपड़े बनाते थे और उन्हें इस्तेमाल करते थे। और उसी इस्तेमाल से उन्हें पता चलता था कि कौन सा कपड़ा, किस खड्डी का कपड़ा और किस जानवर की ऊन का कपड़ा बेहतर है अपने मौसमी हालात के मुताबिक, या गर्मी में या सर्दी में। और वो आजमाइश बाइस बनती थी कि दूसरों को भी आगाही हो जाती थी, यानी ख़बर मिल जाती थी, जांच हो जाती थी, कपड़े की आजमाइश हो जाती थी और फिर उस कपड़े के बारे में फ़ैसला करना आसान होता था। लेकिन ये इस्तेमाल करके किसी चीज़ को जांचना मुख्तस नहीं है कपड़े के साथ, बाकी चीज़ें भी ऐसे हैं, घरेलू चीज़ें सारी या ज़ाती चीज़ें जिन्हें इंसान लेता है, उन्हें एक दफ़ा इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके उनको जांच लेता है, आजमाइश हो जाती है और उसको आजमा के इस्तेमाल करके फिर दोबारा लेते हुए उस साबका इस्तेमाल के नतीजे को मद्देनज़र रख कर इंसान अगला काम करता है। ये बाकी चीज़ों के अंदर भी यही मामूल है, यही रवैया कदीम में भी था, आज भी है। यानी कदीम में जब खड्डियों पे कपड़े बनते थे हाथों से तो भी यही तरीका था, और आज जब फैक्ट्रियों में बनते हैं तो भी कपड़ों को आजमाने का यही तरीका है कि एक दफ़ा पहन के आजमा लें आप इसको। या दीगर अशिया जो ज़िंदगी में घरेलू असबाब हैं, वसाइल ज़िंदगी हैं, या आपके वसाइल नकलिया हैं, हमल व नकल के गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, इनके बारे में भी ऐसा ही है कि कुछ लोग एक गाड़ी ख़रीदते हैं, उसको लेके इस्तेमाल करते हैं और जो इनके मेयारात हैं उनके मुताबिक वो गाड़ी अच्छी निकलती है, ये दूसरों को भी बताते हैं, दूसरे भी यही गाड़ी ले लेते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो लोग ख़रीदते हैं, ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं और उस इस्तेमाल से अंदाज़ा होता है कि ये गाड़ी हमारे लिए मुनासिब नहीं है, पेट्रोल ज़्यादा खाती है, स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा इसके ज़ाया होते हैं, या ज़्यादा स्पीड में नहीं जाती, या ज़्यादा इसके ख़र्चे ज़्यादा होते हैं। खूब इस तरह की आजमाइशें इस्तेमाल से इंसान को होती हैं और उनके नताइज अपने लिए भी और दूसरों के लिए एक बुनियाद बन जाते हैं। लिहाजा ये इब्तला का अमल, यानी इस्तेमाल करके लोग चीज़ों को और उनकी जांच करना, परखना, ये आम तरीका है। और यही अशिया के साथ भी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ धातों से बनी हुई चीज़ें, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, मट्टी से बनी हुई चीज़ें। और यही जानवरों के बारे में भी है, मसलन जानवरों को भी इंसान लेता है, घोड़ा लेके उसको सवार होता है, उस पर सामान लादता है, उस पर ऊँट को लेता है, दूध वाले जानवरों का दूध निकालता है। तो उस आजमाइश से, इस्तेमाल से जानवरों की हकीकत सामने आ जाती है कि असली नस्ली जानवर है या ऐसा नहीं है। और यही काम इंसानों के बारे में भी है कि इंसानों के बारे में भी हमें नहीं मालूम कि ये मुआशरे में रहने वाले मुख्तलिफ़ लोग कैसे हैं। ज़बानी तो बहुत कुछ कहते हैं अपने बारे में, लेकिन इनकी ज़बान के पीछे हकीकत क्या है, क्या ये काबिल भरोसा लोग हैं, काबिल एतमाद हैं, नहीं हैं। इसके लिए इंसानों को काफ़ी इंसानों के साथ रहना पड़ता है, ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, उनके साथ ताल्लुक़ रखना पड़ता है और मुख्तलिफ़ मौक़े पर उन इंसानों को आज़माया जाता है। ज़रूरत के वक्त, खुशी के वक्त, गमी के वक्त, मुसीबत के वक्त, हर इंसान की जाँच हो रही होती है, परखा जा रहा होता है कि ये इंसान कैसा है। कि कुछ अय्याम में तो ये अच्छा साबित होता है, लेकिन दूसरे हालात में भी क्या ऐसा ही होता है या नहीं। मसलन जब आपके पास माल और दौलत है तो ये बहुत अच्छा दोस्त है आपका, बहुत वफ़ादार है, लेकिन जब आप पर मुसीबत आती है और आप फ़क़्र और इफ़लास का शिकार होते हैं, फिर ये कैसा है। जब ये मकरूज़ होता है, इस ज़रूरतमंद होता है, आपके पास पैसा है, उस वक्त तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप ज़रूरतमंद हो जाए, मकरूज़ हो जाए, इससे कर्ज़ मांगे तो अब कैसा है। आया कर्ज़ लेते हुए जैसा था, कर्ज़ देते हुए भी ऐसा ही है, मदद लेते हुए जैसा था, मदद करते हुए भी ऐसा है। या मुख्तलिफ़ मौक़े पर इंसान इंसानों को आजमाते हैं, इसको भी इब्तला कहते हैं, जांचने के लिए, देखने के लिए कि ये इंसान कैसे हैं, इनके अंदर जो कुछ ये कहते हैं, जाहिर करते हैं, वाकयन भी ऐसा ही है या नहीं है। ये लोगों के साथ रहने से पता चलता है, ज़िंदगी गुजारने से पता चलता है। इसलिए हमें दीन की भी हिदायत है कि आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखें, गुमान हर एक के बारे में अच्छा रखें। जिसको जानते हैं या जिसको नहीं जानते उनके बारे में आप गुमान अच्छा रखें कि ये अच्छे लोग हैं सारे, लेकिन एतमाद ना करें लोगों के ऊपर, एतमाद आजमा के करें। गुमान के लिए आजमाइश नहीं रखी गई, चूँकि गुमान सिर्फ़ आपका दूसरों के बारे में ज़हनी तसव्वुर है कि बाकी लोग कैसे हैं, बाकी इंसान कैसे हैं, तो अच्छे हैं, लेकिन ये अच्छे लोग जब मेरी ज़िंदगी में आएंगे, मेरे साथ कोई ताल्लुक़ बनेगा, इनके साथ मिल के हमने कोई काम करना होगा, एतमाद का जब वक्त आ जाए तो वहाँ पर आज़माना ज़रूरी है। गुमान अच्छा काफ़ी नहीं है। उसी आज़माइश को इब्तला कहते हैं, यानी आप किसी दोस्त के साथ, किसी साथी को ज़िंदगी में साथ रख के उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा दो आज़माइशें दीन ने बताई हैं लोगों को आज़माने के लिए। लोगों को आज़माने के लिए अहलुल बैत आइम्मा-ए अतहार अलैहिमुस्सलाम ने खूबसूरत मेयार बयान किए हैं कि लोगों को आज़माने के लिए उनकी नमाजें मत देखो, उनके रोज़े ना देखो, उनकी कस्में ना देखो, उनका हौलिया ना देखो, उनका कुरान पढ़ना ना देखो, उनका ज़ोहद भी ना देखो, बल्कि उनको आज़माने के लिए दो काम करो। एक, उनके साथ सफ़र करो, लंबा सफ़र करो, पता चल जाएगा ये कैसा इंसान है। और दूसरा, उनके साथ मुआमला करो, कोई ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन करो इनके साथ, इनको कुछ बेचो या इनसे कुछ ख़रीदो, वहाँ पता चलेगा ये कैसा इंसान, ये नमाजी, ये सलाती, ये सोमी, ये कैसा इंसान है, आया काबिल एतमाद है या नहीं है। सफ़र में और मुआमले में इनके साथ कोई लेन देन करो, पता चलेगा आपको। और उमूमन ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग जो बज़ाहिर बहुत अच्छे होते हैं, बातचीत में बड़े अच्छे हैं, आमाल व इबादात में बहुत अच्छे हैं, और ज़ाहिरन अखलाकियात उनकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुआमलात में बिल्कुल नाकारा हैं, मुआमलात में नहीं हैं, साफ़ लोग नहीं हैं। इसी तरह सफ़र में जाएं तो वहाँ पता चल जाता है कि ये कैसे हैं, चूँकि सफ़र में भी इंसान घर से बाहर होता है, और घर से बाहर सफ़र में सारे मुआमलात इंसानों को जो साथ होते हैं इन्हें ख़ुद अंजाम देना पड़ते हैं। फिर सफ़र में सारी घर में बैठे हुए इंसान को हम नहीं समझ सकते, सफ़र में इंसान को जल्दी करीब से देखने का मौका मिलता है, उसकी खलवत, उसकी जलवत, उसका नज़म, उसका इंज़बात, उसकी गुफ्तगू, उसकी बेसाख्ता बातें और उसकी साख्तगी बातें, ये सारी सफ़र में सामने आ जाती हैं। ये दो आजमाइशें करें, तो ये इब्तला इसी को कहते हैं। आज़मा के किसी को उसके बारे में जांचना, ख़बर लेना, उसकी परख करना कि कैसा है ये आदमी। और इब्तला सिर्फ़ आगाही के लिए नहीं है, आजमाइश जांचने के लिए नहीं है, बल्कि आजमाइश उससे ज़्यादा बुनियादी मकसद के लिए भी इस्तेमाल होती है कि जब तालीम व तरबियत का मरहला होता है, औलाद के लिए या नई नस्ल के लिए तालीमी इदारों में, तरबियती इदारों में, या जिनका ताल्लुक़ तालीम व तरबियत जैसा है, मसलन जैसे अस्करी इदारे हैं कि वो तालीम व तरबियत देते हैं लेकिन अस्करी नौइयत की देते हैं। खूब ये जब लोगों को लेते हैं, लेकर इनकी आजमाइशें कराते हैं, मसलन भर्ती करते हैं पुलिस में, फ़ौज में, तो दौड़ लगाते हैं। पहले इनको कहते हैं दौड़ें आप। खूब ये दौड़ते हैं, इस पहले भर्ती से पहले ये दौड़, ये इम्तहान है, ये आजमाइश है, ये इब्तला है, ताकि देखें कि जिस्मानी तौर पर ये सेहतमंद हैं या नहीं हैं। अगर सेहतमंद ना हुए तो दौड़ में पता चल जाता है। दौड़ में इंसान के जिस्म का सारा जिस्म वर्जिश करता है, हरकत करता है, खून तेज़ी से दौड़ता है बदन में, और फेफड़े और दिल और हर उज़्व तेज़ी से काम करता है। तो बाज़ औक़ात होते हैं बाज़ दौड़ के अंदर गिर जाते हैं, दौड़ने के बाद बेहोश हो जाते हैं, बल्कि बाज़ तो कई दफ़ा ख़बरों में आया है कि इस तरह की आजमाइशी दौड़ में वो गिर के वहीं मर गया है बंदा वहीं पर, यानी इसका मतलब है सेहतमंद नहीं था। ये जांच है, जांचने के लिए इस सेहतमंद है या नहीं। जब ये भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने के बाद फिर इनको दोबारा दौड़ाया जाता है। पहले जो दौड़ाया गया भर्ती से पहले ये जांचने के लिए था कि सेहतमंद हैं या नहीं। उस दौड़ में ये साबित हो गया कि ये सेहतमंद हैं, वो जो छोड़ दिए, निकाल दिए, जो नहीं दौड़ सके वो सेहतमंद नहीं हैं, उनकी सेहत मुसल्लम नहीं है। ये जो सेहतमंद लिए हैं अब इनको रोज़ क्यों दौड़ाते हैं आप? अब इन्हें ये देखने के लिए नहीं कि ये सेहतमंद है या नहीं, ये तो पता चल गया कि सेहतमंद है, तो अब रोज़ाना इनको क्यों दौड़ाते हैं? अब इनको इसलिए दौड़ाते हैं कि इनके अंदर जो फिटनेस के मराहिल नहीं हैं, जो जिस्मानी आमादगी कमी है जिसकी, वो कमी दूर करने के लिए इनको दौड़ाते हैं। यानी अब सेहत इनकी बढ़ाने के लिए दौड़ाते हैं, पहले सेहत जानने के लिए कि सेहतमंद हैं या नहीं, इसलिए दौड़ाते थे। अब क्यों दौड़ाते हैं? अब इनकी सेहत बढ़ाने के लिए, ताकि जिस सेहतमंदी के दर्जे पर हैं इससे आगे मज़ीद सेहतमंद तर हो जाएं। चूँकि काम इनका इस नौयत का है कि इनको ज़्यादा जिस्मानी सेहत की ज़रूरत है। जैसे खिलाड़ी हैं, वो जब चुने जाते हैं टीम के लिए तो पहले उन्हें दौड़ाया जाता है ये देखने के लिए कि ये सेहतमंद हैं या नहीं। जब साबित हो जाए कि ये सेहतमंद हैं, उनमें से मतलूबा तदाद चुन लेते हैं, फिर उनकी दोबारा तरबियती कैंप रखते हैं। तरबियती कैंप रख के फिर उनको दिन रात दौड़ाते हैं। तो ये जो दोबारा दौड़ा रहे हैं ये जांचने के लिए नहीं है, परखने के लिए, वो तो मरहला पहले तय पा गया है। अब इनकी सेहत बढ़ाने के लिए इनको दौड़ाते हैं रोज़ाना, या बाकी वर्जिशें या बाकी काम इनसे करवाते हैं। बस ये जो इब्तला है, इस्तेमाल है, किसी को किसी काम में मुब्तला करके परखने के लिए भी है, और परख कर उसकी कमज़ोरी दूर करना और उसके अंदर कोई ताकत ईजाद करना, क़ुव्वत पैदा करना, सलाहियत पैदा करना, महारत पैदा करने के लिए भी ये काम किया जाता है। बस इब्तला यानी किसी को किसी काम में लगा देना, वो काम सख्ती वाला भी हो सकता है, आसानी वाला भी हो सकता है, ज़हनी काम भी हो सकता है, जिस्मानी काम भी हो सकता है, मुशक्क़त वाला काम भी हो सकता है, और मुख्तलिफ़ नौयत के काम हैं ये देखने के लिए कि ये फ़र्द क्या करता है, परखने के लिए। और जब परख लिया जाता है तो फिर दोबारा उसको इसी किस्म के बाकी कामों में डाला जाता है। अब क्यों इसको कर रहे हैं? ताकि इसकी सलाहियत बढ़ जाए। जैसे तालीम के मरहले में बच्चों को मुसलसल तालीम में रखा जाता है, ये इब्तला है। बच्चों को तालीम देना ये इब्तला है। ये इसलिए नहीं है कि ये बच्चे जानते हैं कुछ या नहीं जानते, वो तो पता चल गया कि नहीं जानते। जब इन्हें दाखिला दिया गया था तो इसी वजह से था कि ये नहीं पढ़े हुए, जानते नहीं हैं। अब जो इनको दिन रात पढ़ा रहे हैं ये इब्तला है। ये क्लासों में बिठा के इनको पढ़ाना ये इब्तला है। इस इब्तला का मकसद क्या है? ये जानना कि यह आलिम है या नहीं ना। इसका मकसद यह है कि ये जो इल्म नहीं रखते ये इल्म इनके अंदर बढ़ाया जाए, इजाफा किया जाए, इनको आलिम बनाया जाए, इनको फाजिल बनाया जाए, जो नहीं है वो बनाया जाए इनको। इसी तरह जो तालीम के इख्तिताम पर इम्तहान होता है, कुरान करीम ने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं एक तरह के अमल के लिए। एक इब्तला बला जिसको यहाँ ज़िक्र किया है, दूसरा इम्तहान, और तीसरा है इफ्तिनान, फितना, इम्तहान और बला। ये तीनों एक ही तरह के अमल के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। माना अलग अलग है तीनों का, लेकिन उनका मिसदाक अमल एक ही है। यानी एक अमल के ज़रिए इम्तहान भी होता है, उसी अमल के ज़रिए इफ्तिनान भी होता है, उसी अमल के ज़रिए इब्तला भी होती है इंसान की। बस इब्तला आजमाइश है 2 मकसद के लिए। या आजमाइश है उस शय को परखने के लिए, जानने के लिए उसकी खुसूसियात, खामियाँ और ख़ूबियाँ, या उसके अंदर ख़ूबियाँ बढ़ाने के लिए और खामियाँ ख़त्म करने के लिए इब्तला है, यानी किसी इंसान को अमल में डाला जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि उसकी खूबियाँ बढ़ जाएं और उसकी खामियाँ कम हो जाएं। अल्लाह तबारक व ताला दोनों काम खुदा ने किए हैं, इब्तला किया है, लोगों को मुब्तला किया है, आजमाइशों में डाला है अल्लाह ने। ये आजमाइशें इसलिए नहीं कि तकलीफ़ दी जाए इंसानों को, मुसीबत में डाला जाए, जैसे इंसान इंसानों को तकलीफ़ें देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, फिर उनके दर्द और रंज से खुश होते हैं। जैसे अभी मसलन फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और ज़ालिमीन खुश हो रहे हैं कि हम इतना अजाब दे रहे हैं मुसलमानों को या फ़लस्तीनियों को तंग कर रहे हैं। ये बीमारी है कि अगर किसी दूसरे इंसान को सताया जाए और तकलीफ़ दी जाए और उसे परेशान किया जाए और उसे दुख दिया जाए और उसके दुख से ख़ुद लुत्फ़ उठाया जाए, ये बीमारी है। ये बीमार इंसान है, ये मुआशरा बीमार है, ये तबका सारा बीमार है, ये ज़ालिमीन है ये लोग। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान इंसानों को तकलीफ़ देने के लिए किसी मुश्किल में डाल देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला के कानून में ये नहीं है। किसी इंसान को अल्लाह ने महज तकलीफ़ देने के लिए, महज उसको सताने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसको दबाव में रखने के लिए, सज़ा के लिए खुदा ने कोई अमल दुनिया का नहीं मुकर्रर किया और ना ही उखरवी अजाब इस मकसद के लिए है कि फ़कत तकलीफ़ दी जाए। चूँकि तकलीफ़ जब दी जाती है किसी को तो दूसरों की तकलीफ़ से तकलीफ़ देने वाले को एक चैन मिलता है, और ये कमज़ोरी है तकलीफ़ देने वाले की कि दूसरों के दुख से सुकून महसूस करता है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात मुनज़्ज़ह है इससे कि बंदों की तकलीफ़ से अल्लाह को चैन महसूस होता हो, सुख महसूस होता हो, अल्लाह को सुकून महसूस होता हो कि मैं अपने नाफरमान बंदों को सज़ा दे रहा हूँ, इससे अल्लाह को एक तसल्ली हासिल हो रही है। ये नक्स है, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के शाया निशान ये नहीं है। ना अज़ाब उखरवी खुदा इस काम के लिए देता है और ना ही दुनिया की आजमाइशें इस काम के लिए हैं। बस अल्लाह की तरफ से जो इम्तहान हैं या इब्तला हैं या इफ्तनान हैं वो इंसानों को दुख तकलीफ़ देने के लिए नहीं है। ये मुसलमात में से है, ये क़ुरान करीम के दीन के मुसलमात में से है, और अक्ल इस पर यकीन की हद तक इस पर दलील व कायम बुरहान कायम करती है कि ये चीज़ खुदा के शाया निशान नहीं है। इंसान करते हैं, अलबत्ता हम उमूमन दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा चैन मिले, और ये बीमारी है। दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा के चैन महसूस करना ये बीमारी है, अखलाकी बीमारी है, जहनी बीमारी है, नफसियाती बीमारी और बहुत बुरी बीमारी है। ये इस बीमारी से निजात हासिल करें। चूँकि हम सब मुब्तला हैं इसमें, जिस माहौल परवरिश पाई है हमने वहाँ यही है। ये बेहतरीन काम हमें बताया गया है कि आप अपने मुखालिफीन को या दूसरों को आप जितना सता सकते हैं सताएं ताकि आपको सुकून महसूस हो। हम माँ बाप, हमारे माँ बाप ऐसे ही हैं, एक दूसरे माँ बाप को देखा है, अपने रिश्तेदारों को दिल दुखाते हैं, फिर माँ बाप को बहुत सुकून मिलता है, बच्चे उनकी आगोश में परवरिश पाते हैं। इसी तरह के बीमार बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे भी बच्चों को तकलीफ़ देते हैं ताकि सुकून महसूस करें। ये बीमारियां हैं, समाजी बीमारी है, अखलाकी बीमारी है, नफसियाती बीमारी है। फिर अल्लाह क्यों आजमाता है? अल्लाह तबारक व ताला बंदों को तकलीफ़ दुख के लिए नहीं बल्कि दो कामों के लिए आजमाता है। एक ये है कि बंदों की सूरत हाल ख़ुद बंदों को पता चल जाए। चूँकि इंसानी समाज है, इंसानी मुआशरा है, इंसानी मुआशरे में बंदे सारे बिल्कुल शफाफ नहीं हैं, इसलिए कि लोगों ने अपने ऊपर कई तहें, कई निकाब चढ़ा रखे हैं। कई लोग ऐसे हैं ईमान के लबादे में फासिक व फाजिर लोग बने हुए बैठे हुए हैं, कई ऐसे मुखलिस हैं, इखलास के पर्दे के नीचे इंतहाई हवसबाज हैं। ये पर्दे इंसानों ने इख्तियार किए हुए हैं, ये इंसानी महारत है एक कि अपनी हकीकत के ऊपर कोई पर्दा अच्छा सा चढ़ा लेता है। जिस तरह क़ुरान करीम के साबका आयात सूरह बकरा की गुजरी हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं व मिन अन्नास मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिलयौमिल आखिर। अल्लाह तबारक व तआला का इनको जवाब ये है कि ये जो आकर कहते हैं हम मोमिन हैं वमा हम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं हैं। तो फिर क्योंकि मोमिन नहीं है और क्यों कहते हैं हम मोमिन हैं, युखादिउन अल्लाह वल्लदीना आमनू, ये अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देने के लिए ये कहते हैं कि हम मोमिन हैं। यानी मोमिन गैर मोमिन का मोमिन बनकर लोगों में आकर ये कहना कि मैं मोमिन हूँ, ये धोखा है, धोखाबाज है। यानी असल में मोमिन नहीं है, मोमिन के तौर पर अपना तारुफ करवाता है। लोग भी इसकी बात में आ जाते हैं, इसे मोमिन समझ लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना, इस किस्म के लोगों की निकाब कुशाई ज़रूरी है। इनके चेहरों से जो मोमिन नहीं है और मोमिन बने हुए हैं, निकाब उतारना ईमान का ज़रूरी है, ताकि इनके अंदर छुपा हुआ मुनाफिक या इनके अंदर छुपा हुआ काफिर या फासिक वो सामने आ जाए, सबको पता चल जाए। खूब कैसे पता चले? ये जो निकाब में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, इसके लिए अल्लाह आजमाता है। मुख्तलिफ़ आजमाइशें होती हैं, मुख्तलिफ़ हवादिस पेश आते हैं, तल्ख खुशगवार व नागवार दोनों किस्म के हवादिस अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की ज़िंदगियों में पैदा करता है, तबी तौर पर और समाजी तौर पर, ताकि ये तबका अलग अलग हो जाए। ये एक मकसद है इब्तला का। चूँकि इंसानी समाज में इंसानों का इंसानों से राबता है, इंसान इंसान को धोखा देता है और ज़्यादा धोखा देता है। यानी ये कुरान ने फरमाया है कि क़यामत का दिन ऐसा होगा, यौमुल फ़रार, जिसमें सारे लोग सब लोगों से भाग रहे होंगे। बीवी शोहर से भाग रही होगी, शोहर बीवी से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा। दुनिया में तो ये एक साथ थे, जुड़े हुए थे, अब भागते क्यों हैं एक दूसरे से? इसलिए कि ये धोखेबाज थे, इन्होंने अपने ऊपर निकाब चढ़ाया हुआ था, एक दूसरे के लिए खुशनुमा शख्सियत बनाई हुई थी, काबिल एहतराम। अब इनकी बातनी शख्सियत खुल के सामने आई है और वो वहशतनाक है, काबिल नफ़रत है वो शख्सियत। और वो करीबी को भाई की शख्सियत पसंद नहीं है, बाप को बेटे की और बेटे को बाप की शख्सियत पसंद नहीं है, इसलिए ये भागेंगे एक दूसरे से। लेकिन दुनिया में ये पर्दे पड़े हुए हैं, ये तो आखिरत में पर्दे हटेंगे और इंसान इंसानों को असली रूप में देखेंगे। दुनिया में तो नहीं होता ये काम, दुनिया में पर्दे पड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पर ये पर्दों के नीचे लोग हैं और एक मुआशरा, एक समाज तश्कील दिया हुआ है और उस समाज में सब ने अपने आप को फिट किया हुआ है, खपाया हुआ है, इस खपत में एक दूसरे के लिए नुकसानदेह हैं, धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को। खूब इनको भी यहाँ पर वाजे करना ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे पर इनकी हकीकत खुल जाए। इसलिए इब्तला है, आजमाइश है। अल्लाह इनको किसी काम में, किसी हादसे में, किसी माहौल में आजमाता है, ताकि ये एक दूसरे पर खुल जाए, एक दूसरे की बाबत जो धोखे में आए हुए हैं ये धोखा ख़त्म हो जाए और मज़ीद धोखा ना खाएं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये इब्तला का कानून बनाया है और ज़ाबता बनाया है। लेकिन ये वाहिद मकसद नहीं है। दूसरा मकसद अल्लाह तबारक व तआला का इम्तहान और इब्तला और आजमाइश का ये है कि ये इंसान जो पर्दे के नीचे हैं, छुपे हुए हैं, अंदर से कुछ हैं, ज़ाहिर कुछ हैं, या वो जो ना जैसे ज़ाहिर हैं वैसे ही बातिन में भी हैं, जो बातिन में वैसे ज़ाहिर हैं, दोनों किस्में। इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए, सिफ़ात, फ़ज़ाइल, खूबियाँ, कमालात, वो नहीं हैं, अभी इनके अंदर मौजूद नहीं हैं। बल्कि ये पैदा हुए हैं और पैदा होकर सिर्फ़ इनके जिस्म बढ़ रहे हैं, कद बढ़ रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है, ख्वाहिशात बढ़ रही हैं, लेकिन इंसानियत नहीं बढ़ रही, इंसानी कदरें इनके अंदर नहीं बढ़ रही, इंसानी वैल्यूज़ इनके अंदर पैदा नहीं हो रही। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए जो मीज़ान मुकर्रर किया है, उसके मुताबिक, ये पैमाने के मुताबिक इंसान नहीं बन रहे। अब इनको अल्लाह मुब्तला करता है, इन आजमाइशों में डालता है, ताकि वो कमी, कमज़ोरी जो उनके अंदर रह गई है वो इनके अंदर ख़त्म हो जाए और जो फजीलत इनके अंदर अभी तक नहीं आई थी वो इनके अंदर पैदा हो जाए, ईजाद हो जाए। चूँकि इंसान तरबियत पजीर है, मुतरब्बी है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा में से जो ज़्यादा नाम कुरान करीम में तकरार हुआ है वो रब है। अल्लाह और रब ये दो नाम अल्लाह तबारक व तआला के कसरत से तकरार हुए हैं, बाकी अस्मा उसके बाद हैं। और रब का मतलब परवरिश करने वाला, मखलूक की परवरिश करने वाला। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात इस तरह से बनाई है कि उसे पूरा मुकम्मल करके कमाल सारा देकर पैदा नहीं किया। कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ने इस निज़ाम के तहत पैदा किया है कि इसने परवरिश पानी है, बाद में परवरिश पाकर वहाँ पहुँचेगा, ना कि खिलकत में ही यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे फैक्ट्रियों में जो चीज़ें बनती हैं ये खिलकत में ही पूरी होती हैं, मुकम्मल होती हैं। इन्हें बनने के बाद मुकम्मल नहीं होना, बनने के बाद इस्तेमाल होना है इनको। लेकिन खेतों में जो चीज़ें बनती हैं, कारखानों में जो बनती हैं, वो बनते ही मुकम्मल हो जाती हैं, मज़ीद उनकी परवरिश नहीं होती। लेकिन खेतों में जितनी चीज़ें उगती हैं ये उगते ही मुकम्मल नहीं होती, इन्हें उगने के बाद परवरिश पानी है, इन्हें परवान चढ़ना है, इनको रुश्त करनी है, नमूव करनी है। कारखाने की बनी हुई चीज़ों में नशो नमा नहीं है, सिर्फ तख्लीक है, बनावट है, सनाअत है। लेकिन खेतों में, ज़मीन में उगने वाली चीज़ों में नमूव है, नशो नमा है। इंसान किस किस्म की मखलूक है? आया खेतों में उगने वाले पौधों की तरह है या कारखाने में बनने वाली मसनूआत की तरह है? इंसान खेतों में उगने वाले पौधे की तरह है। यानी इंसान जब पैदा होता है तो उसी पैदाइश में, तख्लीक में मुकम्मल नहीं होता, परवरिश से मुकम्मल होता है। और ये कानून आम है, इंसान के साथ मुख्तस नहीं, इंसान के अलावा भी बाकी सारी कायनात ऐसे है। लेकिन चूँकि इंसान के लिए परवरिश का अल्लाह ने एक बड़ा खूबसूरत निराला निज़ाम बनाया है बाकी कायनात से हट कर सिवा, इसलिए ये परवरिश का कानून अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए रखा है। और इस परवरिश की, इस ज़रूरत को मुदीरियत करने के लिए, इस परवरिश की मुदीरियत को पूरा करने के लिए अल्लाह का इस्म शरीफ रब है, यानी परवरिश देने वाली ज़ात है। रब का मतलब सिर्फ परवरिश देना है। रब का काम बाकी काम नहीं है जो हम उमूमन जहन में रखते हैं। गैर परवरिशी काम रब का नहीं है, वो गैर परवरिशी काम बाकी खालिक के हैं, मालिक के हैं और अल्लाह के हैं, बाकी वो काम हैं। लेकिन जिनका परवरिश से ताल्लुक़ है वो सब रब के तहत आते हैं, वो सारे काम कि अल्लाह की ज़ात रब है और हम क्या हैं? हम मरबूब हैं और हम मुतरब्बी हैं, यानी तरबियत पाने वाले, काबिल तरबियत और काबिल परवरिश हैं हम। परवरिश का कानून अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से बनाया है कि तदरीजन ये इस्तेदादें कमालात में तब्दील होते जाएँ, इनके अंदर तदरीजन दर्जा बेदर्जा इनके अंदर कमाल पैदा होता जाए इंसानों के अंदर। ये जो तकमील है इंसान की, परवरिश का मरहला है, ये परवरिश इब्तला से है। इस परवरिश का कानून इब्तला है, यानी इंसानों के अंदर कमालात पैदा करना, इंसानों के अंदर वो ज़रूरी सलाहियतें, महारतें पैदा करना, वो सब इब्तला के ज़रिए से होगा। हमारे जहन में ये बैठा हुआ है, मसलन खुसूसन आज शब के लिए ये बहुत अहम है। आज शब हम अल्लाह तबारक व तआला से कुछ लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। खूब, तो अल्लाह का कानून तो पता हो कि देता किस तरह से है, रब देता कैसे है। मसलन लैलतुल क़द्र है, अपनी मुक़द्दरात हमने बनानी है, तकदीर अपनी बनानी है हमने। खूब, किस तरह से और क्या कानून क्या है अल्लाह का तकदीर का या मुक़द्दरात का। हमारे जहन में ये है कि जिस तरह हम आर्डर करते हैं, ये डिलीवरी वालों को कोई चीज़ हमें चाहिए होती है बाज़ार से, तो आजकल ज़्यादा आसान है कि आप फ़ोन करते हैं उनको और उन्हें आर्डर बुक कराते हैं कि ये चीज़ मुझे दे दें। वहाँ से डिलीवरी बॉय आता है, बॉक्स भरा हुआ आपके घर में आके पहुँचा जाता है, जो घरों तक पहुँचाते हैं लोग आके। खूब, ये हमने ये समझा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका को रखा हुआ है डिलीवरी बॉय के तौर पर, और हम आर्डर बुक करने वाले, आज हमने आर्डर बुक करनी है और उधर से अल्लाह ने मलाइका को भेजना है, जा ये मेरा बंदा, इसने अच्छे ज़रा आज हालत पैदा की है, आंसू ज़्यादा बहाए हैं और दुआ ज़्यादा की है, दिल ज़्यादा नरम है, तो ये जा बैग भरा हुआ ये उसको जाकर दे अपने घर में। ये हमारे जहन में कानून है, ये अल्लाह का कानून नहीं है। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला इस तरह न तख्लीक करता है, न तरबियत करता है, न रुबूबियत है, न मालिकियत है, न खालकियत है अल्लाह की। ये हमने अल्लाह को दुनियादारी के हिसाब में लाकर, और अल्लाह का निज़ाम भी हमने इसी तरह फ़र्ज़ कर लिया है जैसे हम दुनिया में करते हैं। इससे पहले वाली जो आयत गुजरी है, आया 48 सूरह मुबारक बकरा की, इस वक्त हमारी बात आया 49 में है। आया 48 में अल्लाह ने ये हमारी गलतफहमी दूर की है, वो भी बनी इसराइल के खिताब के दौरान। वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युकबलो मिन्हा शफाअतुन वला युखदो मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। यानी ये चार चीज़ें जहन से निकाल दो कि क़यामत में, महशर में, एक कोई नफ्स किसी नफ्स के बदले पेश नहीं होगा, कोई भी, ना कोई नबी, ना कोई इमाम, ना कोई मासूम, ना कोई गैर मासूम, ना ख़ानदान का बुज़ुर्ग, कोई नफ्स किसी नफ्स के बदले पेश नहीं होगा। बनी इसराइल कहते थे ऐसा ही होगा। हज़रत ईसा मसीह तमाम मसीहियों की जगह पेश हो जाएंगे। कोई मसीही अल्लाह पर पेश नहीं हुआ, किसी का हिसाब व किताब नहीं होगा, सिर्फ मसीह जाएंगे और जाकर कहेंगे कि ये मेरे हैं सारे और इनको मेरी ख्वाहिश है जन्नत में जाएं। चूँकि मसीह अल्लाह को बहुत प्यारा है, लिहाजा जो ही मसीह ये कहेंगे तो फ़ौरन उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यहूद का ये एतकाद था कि ये काम हज़रत इब्राहीम करेंगे, कि हज़रत इब्राहीम जहन्नुम के दरवाज़े के बाहर वहाँ बैठे होंगे कुर्सी लगाकर, और मलाइका मुजरिमीन को पकड़ पकड़ के जहन्नुम लेके जा रहे होंगे, और हज़रत इब्राहीम पहले पूछ लेंगे कि ये यहूदी तो नहीं है, तो मलाइका कहेंगे यहूदी है, तो कहेंगे रोक लो इसको, यहूदी है तो फिर जहन्नुम में नहीं जाएगा। तो वो कहेंगे हुजूर ये मुजरिम है, तो उन्होंने कहा जब मैं हूँ कह रहा हूँ कि इसको नहीं जहन्नुम भेजना तो नहीं भेजना, तो तुम्हें पता नहीं है मैं अल्लाह का खलील हूँ, और अल्लाह का खलील जब अल्लाह से कह दे कि नहीं भेजना तो फिर ये यहूद का नज़रिया है। और अब मुसलमानों का नज़रिया है कि मुसलमान कहते हैं कि रसूलुल्लाह इसी तरह बैठे होंगे वहाँ पर कमली लेके, और जितने मुजरिमीन उम्मत होंगे वो सारे रसूलुल्लाह, मलाइका को रोक लेंगे कि इन्हें नहीं जाना। और शिया तो उसमें रसूलुल्लाह के बाद मौला अली को भी खड़ा करते हैं कि यहाँ मौला अली भी कहेंगे कि मेरा मानने वाला मुजरिम है तो ये बिल्कुल आग में नहीं जाएगा। ये तमाम अध्यान में ये तस्वर मौजूद है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया में मुजरिम को बचाने के लिए कोई बड़ा आदमी आके खड़ा हो जाता है और उसको सज़ा से बचा लेता है। हमारे मुल्क में भी होता है, सारी दुनिया में होता है। इसलिए फरमाया वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई नफ्स किसी नफ्स की जगह पेश नहीं होगा। दूसरा ये कि वला युकबलु मिन्हा शफाअतुन, किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी। वला युखदु मिन्हा अदलुन, रिश्वत भी नहीं ली जाएगी, मुआवजा के तौर पर मुआवजा लेके किसी मुजरिम को नहीं छोड़ा जाएगा। वला हुम युनसरून, और वहाँ कोई मदद करने वाले, मुजरिमों को कैद से छुड़ाने वाले साथी भी नहीं होंगे। यानी पूरा दुनियावी सिस्टम वहाँ नहीं होगा। ये इसलिए तसरीह की गई है कि अल्लाह के कानून वो नहीं है जो तुमने लागू कर रखे हैं, जिनके मुताबिक तुम चलते हो। अब मसलन हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, आज शब दुआ है, शब तकदीर है, तो कानून तो अल्लाह का पता हो कि कैसे होना है। अगर हमारे जहन में ये बैठे हुए हों, ये तसव्वुरात जो क़ुरान ने सूरह बकरा की आया 48 में जिनको रद्द कर दिया है कि ये नहीं होगा, और हम यही जहनीत बैठ कर यहाँ बैठे होंगे कि यही तो करवाने आए हैं आज हमें। इसी तरह अल्लाह की तख्लीक का निज़ाम, अल्लाह की रुबूबियत का निज़ाम अगर हमें नहीं पता, और हम बैठे हुए हैं उसी रब से कुछ मंगवाने के लिए, कुछ लेने के लिए। हमारा तसव्वुर यह है कि रब ने एक ख़ज़ाना बनाया हुआ है और हर इंसान की ज़रूरत वहाँ रखी हुई है, और मलाइका हैं डिलीवरी के लिए, सिर्फ इधर बंदा हाजिर हो मस्जिद में अल्लाह के सामने और आके दुआ मांगे, आर्डर बुक कराए अपना। दुआ को हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जैसे हमारे आर्डर बुक कर रहे हैं कि खुदाया ये नोट कर लें, ये मेरे पास लिस्ट है, ये मैं कर रहा हूँ, ये कर दे, वो कर दे, तजावीज़ आर्डर सारे। और फिर मलाइका, चूँकि आज रात वादा है मलाइका नाजिल होंगे, तो वो सारे आर्डर मलाइका लेके आपकी गोद में जाकर डाल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम फुर्सत ज़ाया कर रहे हैं लैलतुल क़द्र की कानून न समझने की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ भी अल्लाह का कानून है और अता भी अल्लाह का कानून है, इस्तजाबत दुआ भी अल्लाह का कानून है। दोनों अल्लाह के मुसल्लम कानून हैं कि आप दुआ करें और आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, खुसूसन आज की शब। लेकिन आपको कानून तो दुआ का पता हो क्या है, अल्लाह के कवानीन को बाईपास तो नहीं करना आपने। और उसमें कानून अल्लाह तबारक व तआला का ये है कि आपकी जितनी ज़रूरियात हैं ये सारी खुदा ने कानून इब्तला के ज़रिए आपको अता करनी है। आज शब दुआ जिसकी सुन ली गई है, तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ उसने अव्वल तो अगर ऊट पटांग मांगा है तो वो दुआ शुमार ही नहीं होती, वो तजवीज़ शुमार होती है। वो चीज़ें अल्लाह को नहीं चाहिए, अल्लाह को मशवरे नहीं चाहिए, तजावीज़ नहीं चाहिए, चूँकि वो ख़ुद रब है। दुआ इंसान के अंदर एक तकाज़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला से तलब करता है, और ये तकाज़ा अल्लाह के कानून के मुताबिक होना ज़रूरी है। अल्लाह का कानून खिलकत है और अल्लाह का कानून रुबूबियत है, उस कानून के मुताबिक आपने तकाज़ा अपना ज़ाहिर करना है। और उस तकाज़े के मुताबिक आपको, अगर उस कानून के मुताबिकत हो रही है, तो अल्लाह ने आपको यकीनन वो चीज़ देनी है जो आपने दुआ की है। किस तरह देगा, उस कानून, उस अता का तरीका इब्तला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जब दुआ सुनी है, सुनने का मतलब यह है कि अब आपको खुदा ने भर्ती कर लिया है, चुन लिया है, अब आ जाओ कैंप में, ट्रेनिंग कैंप में आ जाओ, अब शुरू करो ये काम। खूब क्यों करें, मांगा है ना आपने, तलब किया है कुछ अल्लाह तबारक व तआला से। उस तलब तक पहुँचने के लिए मरहला ये है, कानून अल्लाह का ये है कि इस तरह खुदा देता है, न कि मलाइका को बॉक्स बना के दे देता है कि इसने मांग लिया है, आर्डर बुक कराया है, तो ये आर्डर उसका उसके घर पहुँचाओ। इस चीज़ तक उसे पहुँचने के लिए खुदा ने कानून बनाया हुआ है, वो कानून इब्तला है। इब्तला यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक अमल में, एक मैदान में डाल देना है। वो मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, वो नागवार भी हो सकता है आपके लिए, वो खुशगवार भी हो सकता है, वो आपकी सूरत हाल और आपकी तलब दोनों के मुतनासिब होगा। जैसे मरीज़ अस्पताल में जब होता है, बहुत सारे मरीज़ हैं अस्पताल में एडमिट होते हैं, उनके ऑपरेशन हो रहे होते हैं, इलाज हो रहा होता है, किसी को ड्रिप लगी होती है, किसी का खाना बंद है, परहेज़, इसे कुछ भी नहीं देना, किसी को कहा जाता है कि इसको ज़्यादा क़ुव्वत वाली चीज़ें खिलाओ, तक़वियत वाली चीज़ें खिलाओ। मुख्तलिफ क्यों सबको ड्रिप क्यों नहीं लगी हुई, सब का खाना बंद क्यों नहीं किया हुआ आपने, सब क्यों फास्टिंग में नहीं है, और सब की मसलन एक की ऑपरेशन करके कुछ चीज़ें निकाल ली जा रही हैं, एक का ऑपरेशन करके कुछ चीज़ें डाली जा रही हैं। तो ये एक जैसा काम क्यों नहीं कर रहे सब के साथ, चूँकि मरीज़ मुख्तलिफ हैं, सूरत हाल मुख्तलिफ है। जिसकी चर्बी ज़्यादा है वो निकालनी है बाहर, जिसके अंदर खून की कमी है खून डालना है उसके अंदर, जिसके अंदर शुगर ज़्यादा है उसकी शुगर कम करनी है, जिसके अंदर शुगर कम है उसको शुगर ज़्यादा देनी है। इसलिए मुख्तलिफ हो रहा है काम, चूँकि सूरत हाल मरीज़ों की मुख्तलिफ है। तो इंसान भी मुख्तलिफ सूरत हाल रखते हैं, किसके अंदर किस चीज़ की कमी है, और उस कमी को अल्लाह ने दूर करना है। तो उसी तरह की इब्तला है, उसी तरह की आजमाइश है, उसी तरह का अमल है और उसी तरह का मैदान होगा। जिसके अंदर जिस चीज़ की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए उसके लिए वैसा ही इम्तहान अल्लाह ने रखा है। वो मुमकिन है मुशक्क़त वाला हो, चूँकि ये कमी मुशक्क़त से ही दूर होती है, ये कमी किसी मुसीबत से ही दूर होती है, ये कमी किसी और तकलीफ़देह चीज़ से दूर होती है। या मुमकिन है अल्लाह ने आपको आसाइश में, आसूदगी में, सहूलत में नेमतें दी हों, ये भी इब्तला है। क्योंकि इसके अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नेमत से दूर होगी, ना कि मुसीबत से या मुश्किल से दूर नहीं होगी। नेमत के ज़रिए से इसके अंदर ये चीज़ पैदा होगी, इब्तला होगी। बस इब्तला अल्लाह का की तरफ से लोगों को परवरिश करने के लिए, यानी अल्लाह की रुबूबियत के अमली निज़ाम को, प्रोसीजर को इब्तला कहते हैं। मसलन हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़मीन अभी सीख रहे हैं ना, अपने आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में ज़्यादा लोग सीख रहे हैं। कोई आईटी में क्या सीख रहा है, कोई क्या सीख रहा है, कोई क्या सीख रहा है। खूब, ये किस तरह से ये सब कुछ सिखाया जा रहा है आपको, उसका एक प्रोसीजर है। आपको इंतखाब करते हैं, इंतखाब करके आपकी क्लासें रखते हैं, फिर आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल रखते हैं, फिर आपको एक टाइम के लिए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट देते हैं, काम देते हैं, वो चेक करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उसकी इस्लाह करते हैं। और इस तरह करते करते आपके अंदर वो महारत पैदा हो जाती है। वो महारत मुमकिन है वो मेडिकल की महारत हो, वो इंजीनियरिंग की महारत हो, वो आईटी की महारत हो। ये काम हम रोज़ाना जो सीख रहे हैं, इस सीखने के लिए कुछ मुशक्क़त में है, कुछ सहूलत में है। यानी कुछ लोगों को घर से जाना पड़ता है, कुछ लोगों को दूर जाना पड़ता है, कुछ को कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, कुछ को किसी और जगह जाना पड़ता है, कुछ को पैसे देने पड़ते हैं, कुछ को और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सब किस लिए हैं? ताकि तुम्हारे अंदर वो महारत, वो खासियत पैदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तरबियत के लिए जो तरीक़ाकार मुकर्रर किया है, तख्लीक के बाद तरबियत है। तरबियत का अमल यानी इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं, इस्तेदादें हैं, वो सारी कमालात बनाने हैं। इन कमालात तक पहुँचाने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए अल्लाह ने इब्तला रखा है। इब्तला यानी मुख्तलिफ़ काम, मुख्तलिफ़ मशक्क़तें, मुख्तलिफ़ सूरत हाल, उसमें दोनों किस्म की चीज़ें हैं। मुमकिन है अल्लाह आपको फ़रावान कोई वसाइल दे दे तो ये इब्तला है, मुमकिन है जो हैं वो भी ले ले खुदा आपसे, ये भी इब्तला है। ये दोनों इसीलिए हैं ताकि आप इस हालत से निकल कर उस कमाल की हालत में आ जाएं, या आपके अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाए। इसलिए बला का मतलब ये होता है कि आजमाइश। बला का मतलब मुसीबत नहीं है, आजमाइश। आजमाइश दोनों सूरतों में, सख्त भी हो सकती है, नागवार भी और खुशगवार भी। और ये दोनों इब्तला इसलिए हैं कि जो अल्लाह चाहता है इंसान के अंदर, या इंसान ने तलब किया है, इंसान चाहता है कि अल्लाह मुझे दे, उस मकाम तक पहुँचाने के लिए इंसान को इस सारे मरहले से गुजारा जाता है। ये काम इनफरादी तौर पर है। जैसे आज हम यहाँ पर हैं, सब इनफरादी मुतालबात लेकर हैं, टोटल 100%, बिल्कुल ज़ाती नौयत के। बहुत ज़्यादा किसी में वसअत दुआ हुई तो ख़ानदान के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए भी मांग लेगा, वरना ज़्यादातर तो ज़ात के लिए होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ज़िंदगी का जो निज़ाम बनाया है, वो इनफरादी नहीं है, समाजी है। समाजी नज़म बनाया है, समाजी ढांचा बनाकर इंसान को वहाँ पे रखा है कि जो कुछ भी इंसान ने लेना है वो इस मजमूए के अंदर इंसान को अता होगा। जैसे ज़मीन एक माहौल है, और उस ज़मीन के अंदर जो उगना है, वो ज़मीन का सारा निज़ाम उसके अंदर मुअस्सर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह एक मंजूमा बनाया है इंसान के लिए कि इस मंजूमे के अंदर इंसान को सब कुछ नसीब होगा, यानी मुआशरे में और समाज के अंदर नसीब होगा। अब इंसान, जैसे फ़र्ज़ करें ग़ुलाम इंसान है, बनी इसराइल ग़ुलामी में है, फ़िरऔन के निज़ाम ज़िल्लत में, सितम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसमें से अब हज़रत मूसा हों, हज़रत हारून हों, या और नेक साले बंदे बनी इसराइल के, वो चाहते हैं खुदा हमें फ़िरऔन से निजात दे। तो अल्लाह का जवाब ये है कि ये तो तरीका ही नहीं है मेरा कि मैं किसी एक फ़र्द को उसके रोने की वजह से, उसके इल्तिजा की वजह से, मैं एक को उठाऊं और समुंदर पार करा के उसको फ़लस्तीन पहुंचा दूं कि ये ले निजात दूँ, बाकी बनी इसराइली सारे ज़िल्लत में ज़िंदगी गुजारें। इस तरह तो मेरा कानून नहीं है। कानून ये है कि जिस तरह तुम जलील हुए हो, इनफरादी तौर पर तो नहीं, एक एक फ़र्द करके तो जलील नहीं हुए हो, एक एक फ़र्द करके तो ग़ुलाम नहीं बने हो। पूरी कौम ग़ुलाम बनी है, पूरा समाज ग़ुलाम बना है, सुकूत सब ने किया है, तो निकलोगे भी सब। जब सब निकलोगे तो उसमें तुम्हारी भी निजात होगी। वरना ये अगर लैलतुल क़द्र को बैठ के एक बनी इसराइली कहे कि मुझे सिर्फ निजात दे दें, बाकियों का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आज रात मेरा काम तो हो जाना चाहिए, तो इस तरह तो अल्लाह का कानून नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी कानून समाजी शक्ल में तरतीब दिया है, मुआशरती शक्ल में तरतीब दिया है। तो जब अल्लाह ने आपको कुछ देना है तो मुआशरती कानून के मुताबिक देना है, जब अल्लाह ने आपको आजमाना है मुआशरती इब्तला में आपको डालना है। लिहाजा ये सब इब्तला थी, यानी बनी इसराइल का आले फ़िरऔन का ग़ुलाम बन जाना और फिर बनी इसराइल के अंदर उनका रहबर पैदा होना और उसने बनी इसराइल को निजात दी और निज़ाम फ़िरऔनी में उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ, कत्ल अबना और औरतों के साथ बेहयाई, ये सब इसी इब्तला का ही जुज़ है, इस इम्तहान का जुज़ था। ये सब मजमुआ इब्तला थी, यानी बनी इसराइल को असारत से निकालने के लिए, वो मकाम जो खो बैठे थे उस मकाम तक पहुँचाने के लिए ये आजमाइश थी अल्लाह तबारक व तआला की। यूँ नहीं था कि मलाइका ने आकर बनी इसराइल को कश्तियों में बिठा के और उठा के मिस्र से उनको पुरअमन सरजमीन तक पहुँचाना है। इस अमन तक ख़ुद तुम्हें पहुँचना है, इस अमन के लिए ख़ुद तुम्हें दरिया मुश्किलात का अबूर करना है, इस अमन के लिए तुम्हें क़याम करना है फ़िरऔन के ख़िलाफ़, इस अमन के लिए सारे रास्ता तुम्हारे ज़रिए से तय होगा, न कि खुदा ने मलाइका के ज़रिए आकर आपको इस सारी मुसीबत से बाहर निकाल देना है और आपका काम सिर्फ खुदा से रो के ये तलब कर लेना है, बल्कि इब्तला है व आजमाइश है। ये कानून अगर हमें मालूम ना हो अल्लाह का तो ज़ाया कर देते हैं, हम दुआ की फ़ुर्सत भी ज़ाया कर देते हैं, हम लैलतुल क़द्र की फ़ुर्सत भी ज़ाया कर देते हैं, हम तालीम व तरबियत की फ़ुर्सत भी ज़ाया कर देते हैं, हम बहुत सारे मौक़े जो अल्लाह ने हमें दिए हैं कानून से नाआशनाई की वजह से अपने कवानीन को बुनियाद बनाकर वो ज़ाया कर देते हैं। यानी अपना हमारा का कानून है कि हम इधर से तलब करेंगे, आर्डर बुक कराएंगे, उधर से डिलीवरी फ़रिश्ता आएगा और आकर सुबह हमारे घर में ये चीज़ पहुँचा के चला जाएगा। ये नहीं है तरीका अल्लाह तबारक व तआला का, उसका तरीका इब्तला है। इब्तला यानी आपको आजमाइशों में डालना है और आपकी कमज़ोरियाँ दूर करनी है, आपके अंदर जो कमी है वो ईजाद करनी है, वो फ़ज़ाइल पैदा करने हैं, आपके अंदर जो अखलाकी कमज़ोरियाँ हैं वो इब्तला से दूर करनी है, अखलाकी बरतरी इब्तला से पैदा करनी है, आपकी समाजी कमज़ोरियाँ इब्तला से दूर होनी है, आपकी समाजी बरतरी इब्तला से पैदा होनी है। इब्तला उन सारी आजमाइशों में और उन मराहिल में कौम को या बनी इसराइल को या मुसलमानों को डालना है, और उस आजमाइश में अगर हम नहीं जाते तो ज़ाहिर है कि हम कानून खुदा के बागी हैं, हम उससे बाहर रह कर हम खुदा से खिलाफ कानून कोई चीज़ तलब करते हैं। और वो तो अल्लाह का फ़रमाना है कि अल्लाह की सुन्नतें टूटती नहीं हैं, बदलती नहीं हैं, जो जैसे मर्ज़ी ये कर ले, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं आनी है। खूब, ये फ़लसफ़ा है उस दुआ का, वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक इब्तला थी अज़ीम तुम्हारे लिए, और उस इब्तला में तुम्हें कामयाबी से पूरा उतरना है। जिस तरह इब्तला की इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, इब्तला किया और उस इब्तला में भागे नहीं इब्राहीम, यानी हमने उनको उस प्रोसीजर में डाला जिसमें एक मामूली बच्चा इमाम बन जाता है। इब्राहीम जो आज़र के ज़ेरे तरबियत हैं, बुतप्रस्त के ज़ेरे तरबियत रहे हैं, उसके किफ़ालत में रहे हैं, एक मुशरिक बुतगार बुतफरोश इंसान, वो बड़ा बुज़ुर्ग था हज़रत इब्राहीम का, और उसके ज़ेरे परवरिश तरबियत याफ्त, उसके ज़ेरे परवरिश आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्रोसीजर में इब्तला में डाला, आज़री मंज़र से निकाला और अपने जब निज़ाम में डाला तो वो इमाम बन गया लोगों का। कैसे बना? इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन, हमने कुछ बातों में, कुछ कलिमात में आजमाया, न कि उस तरह पूरी आजमाइश की, कुछ में आजमाया और उन्होंने पूरी कर दिखाई। फ़अतम्महुन्ना, ये इब्तला इतमाम करना है, ये इब्तला इब्राहीम को खुद इतमाम करना है। इमामत वो हदिया नहीं है जो उस डिलीवरी मलाइका से कहेंगे ये इब्राहीम के घर छोड़ के आ जाओ। इस तक इब्राहीम ने खुद पहुँचना है। किस तरह से पहुँचना है? इतमाम इब्तला से। इब्तला अल्लाह ने की है, इतमाम इब्राहीम का काम है। और इसी तरह फिर सबको अल्लाह तबारक व तआला ने बारी बारी ये मौका दिया है, जो हज़रत इब्राहीम के लिए है वो सब के लिए है। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला का फरमाना है, यानी सूरह बकरा में आया 124 में है, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहद ज़ालिमीन। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने, रब ने, चूँकि रब ने किया, परवरिश रब ने करनी है, तो रब ने इब्तला में, इम्तहान में डाला। एक नहीं बेकलमात, इन कई तरह के इम्तहान में डाला। फ़अतम्महुन्ना, उन सब को इब्राहीम ने पूरा किया, उस इब्तला को। तो अल्लाह ने उस वक्त फरमाया क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अब तू लोगों का इमाम है। हज़रत इब्राहीम ने कहा व ज़ुर्रियती व मिन ज़ुर्रियती, तो ये तो मेरी ज़ुर्रियत की भी ज़रूरत है, इमामत। तो हज़रत इब्राहीम को जवाब ये मिला कि ज़ालिम तो नहीं पहुँच सकता, ज़ालिम तो इब्तला में नाकाम है, इतमाम तो नहीं करता, वो तो नातमाम छोड़ देता है। ज़ालिम का मतलब यही है कि जो इब्तला नाकाम छोड़ देता है, तर्क कर देता है, इब्तला का इम्तहान पूरा आखिर तक लेके ही नहीं जाता। तो ज़ालिम को तो इमाम नहीं बनाना, ज़ालिम को क्या बनाना है? ज़ालिम को लेबर बनाना है, मज़दूर बनाना है, मुलाजिम बनाना है, किसी और मुल्क में भेज देना है, फ़िरऔनों के पास भेज देना है, जलील होने के लिए, ख़ार होने के लिए, किसी फासिक फाजर अफसर का मातहत तो उसको बना देना है। तो ये ज़ालिमों का, तेरी ज़ुर्रियत के ज़ालिमों के लिए हमने बंदोबस्त किया हुआ है। लेकिन इमामत का इंतज़ाम इब्तला है। खूब, अब क्या ये इब्तला किस किस की होगी? सूरह बकरा आया 155 में है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, सब को, तुम सब को हम मुब्तला करेंगे, आजमाएंगे। मिन खौफ, बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम आपको आजमाएंगे खौफ, भूख, माल की कमी, नफ्स की कमी और समरात की कमी, यानी खौफ, भूख और पैसे का नुकसान और जान व माल का नुकसान और बच्चों का नुकसान, शहादत बच्चों की, तुम्हारी अपनी शहादत, माली नुकसान और इसी तरह भूख और खौफ। लेकिन इस आयत में ये है वलनबलुवन्नकुम, ये जब हम डालें आपको इन कामों में तो ये हमारी इब्तला होगी, वरना अपनी हिमाकत की वजह से भूख काट रहे हो, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खौफ में मुब्तला हो गए हो, अपनी गलतियों की वजह से अपना माली नुकसान कर बैठे हो, ये इब्तला नहीं है। हर चीज़ के ऊपर ये आयत ना फिट करो, वलनबलुवन्नकुम, जब हम आपको इस आजमाइश में डालें, वरना आप ख़ुद भी ये सारे काम करने वाले हो। आप ख़ुद गाड़ी ओवर ड्राइव की आपने, ओवर स्पीड लगाई, एक्सीडेंट करके बच्चे मार दिए आपने। अब कहो वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वस्समरात, हमने आपको, ये बच्चे मारने थे गाड़ी में, ना ये आपने खुद मारे हैं, ये अल्लाह ने नहीं मरवाए आपके बच्चे। कारोबार हिमाकत की, उधार देते रहे, कर्ज देते रहे, दोस्तों यारों को भरोसा करके, तो कारोबार सारा तबाह कर दिया। फिर आखिर में ऊपर दुकान पे ये आयत लिख दो वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, भूखे हो, ना अपने लिए खाना है ना बच्चों के लिए खाना है, और ये कहो जी क्यों भूखे हो, फाके क्यों हैं, चूँकि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। ना, ये नहीं है। हर भूख अल्लाह का इम्तहान नहीं है, हर खौफ अल्लाह का इम्तहान नहीं है, हर माली नुकसान अल्लाह का इम्तहान नहीं है, हर कत्ल, जान का नुकसान अल्लाह का इम्तहान नहीं है, हर बेटे की मौत अल्लाह का इम्तहान नहीं है। ये उस वक्त है जब अल्लाह, ये अल्लाह के डाले हुए प्रोसीजर में ये काम करो तुम। जिस तरह हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने डाला इन आजमाइशों में, यानी हुक्म खुदा पर, दीन पर अमल करते हुए ये सब कुछ पेश आए। फिर ये इब्तला है। इस इब्तला का नतीजा क्या है? वह बशरिस साबिरीन, इन आजमाइशों से साबिर बनते हैं। साबिर बनाने का जो कारखाना अल्लाह ने लगाया है वो इब्तला है। साबिर यानी इस्तकामत। इस्तकामत किस में है? वो आज पूरी दुनिया देख लें, इस वक्त गज़ा, फ़लस्तीन और बाकी सारी दुनिया, इस्तकामत किस में है? साबिर कौन है? हमारा उर्दू सब्र तो सारी फ़लस्तीनियों के अलावा बाकी सारे साबिर हैं, यानी जो जुल्म का तमाशा देख रहे हैं, जो खामोश हैं, चूँकि सब्र का हमने यही माना किया है कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो और इंतज़ार करो, कुछ भी ना करो, ये सब्र है। हम उर्दू में सब्र कुछ ना करने को कहते हैं और अल्लाह कुरान में सब्र कुछ करने को कहता है, इस्तकामत को कहता है, कायम रहने को कहता है। खूब, इस वक्त इस्तकामत फ़लस्तीनी कर रहे हैं, बाकी तो इस्तकामत छोड़े हुए, ये तो साबिर नहीं है, ये जलील होंगे, ये बाकी मुसलमान जलील होंगे। साबिर कौन है? इस वक्त भूख, खौफ, कत्ल गारत, नक्स अमवाल, किसके कौन गुजर रहा है इससे और किस लिए गुजर रहा है? फ़लस्तीनी। इसलिए ये साबिर हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का फिर साबिरों के लिए जो अगला निज़ाम है कि जब साबिर बन जाओगे फिर हमने साबिरों को हवाले ज़मीन अपनी कर देनी है, इमामत उनको देनी है और विरासत उनको देनी है। साबिरों के लिए ये सब कुछ रखा हुआ है। जो सब्र का दामन छोड़ जाते हैं, जो भाग जाते हैं, जो तर्क कर जाते हैं, उनके लिए ज़िल्लत, खारी, रुसवाई और वही जो रखी हुई है, आपस में तफरकाबाजी करें जो करें। और इसी तरह कुरान करीम ने मुफस्सल आयात के अंदर इब्तला का ज़ाबता अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है। अल्लाह का फरमाना है कि हमने तुम्हें आलमीन पर बरतरी दी। बनी इसराइल को शुरू आगाज़ कहाँ से किया? निजात आले फ़िरऔन से। आले फ़िरऔन से तुम्हें निजात दी हमने। आले फ़िरऔन तुम पर जुल्म करते थे, तुम्हारे अबना को कत्ल करते थे, औरतों को बेहयाई के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमने ये अजाब की ज़िंदगी ख़त्म करके तुम्हारे लिए आसूदा ज़िंदगी फ़राहम की। लेकिन ये सब बला थी, आजमाइश व इब्तला थी। इस इब्तला से गुज़र के आप, अल्लाह के कानून था ये, इसी तरह से आपको आज़ादी मिलनी थी। न ये कि ये आज़ादी हमने पोटली में बांध के आपके घर पहुंचा दी कि ये लो आज़ादी। इस तरह से किसी कौम को आज़ादी नहीं मिलती, किसी फ़िरऔन से, किसी हुकूमती अजाब से, किसी निज़ाम फ़िरऔनी से किसी कौम को अल्लाह इब्तला के बग़ैर निजात नहीं देता, इब्तला के साथ निजात देता है। इब्तला यानी आजमाना, आजमा कर, या जांचना कि इनके अंदर क्या है क्या नहीं, या फिर जांचने के बाद ये वाजे हो जाने के बाद कि अभी कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, उनकी कमज़ोरी और ज़ाफ़ को मुसलसल मुबतला रख कर इन कामों के अंदर, इन दुश्वारियों के अंदर, और उनको उस मकाम तक पहुँचाना कि इनके अंदर इस्तकामत पैदा हो जाए। ये बला है, इब्तला है, कानून है अल्लाह तबारक व तआला का। और आज हमें ये मौका अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, लैलतुल क़द्र, इसीलिए है कि आप खुदावंद तबारक व तआला से निजात तलब करो। निजात का कानून ये है कि तुम्हारे अकेले तुम्हें नहीं निजात मिलनी। इस तरह नहीं, पिसरे नूह की तरह नहीं सोचना कि सारी दुनिया डूब जाएगी, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊँगा। इस तरह कोई पिसरे नूह नहीं निजात पा सका, ना आज ना उस वक्त। निजात के लिए आपको कश्ती में सवार होना होगा, वो कश्ती जो निजात की अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर की है, और वो कानून अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया है। उसके लिए आज फुर्सत है, गनीमत है कि उस इब्तला के लिए तैयार हों। अल्लाह से, जिस तरह अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि कभी भी खुदा से ये दुआ ना मांगो कि खुदाया मुझे आजमाइश में ना डालना। ये कभी भी, ये खिलाफ कानून है, एक तरह की बेदीनी की दुआ है कि मुझे आजमाइश में ना डालना, बल्कि दुआ ये करो कि अगर तूने मुझे मुबतला किया तो मुझे कामयाब करना, उस इम्तहान में मुझे कामयाब करना, उस इब्तला को कामयाबी से तय करने के लिए मुझे तौफीक देना और वसाइल फराहम करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आज शब मोमिनीन को ये तौफीक दी है और वादा भी दिया है, और अल्लाह अपने वादे पर कायम है। अगर हम उस वादे के रमज़ व राज को समझ जाएँ, और ज़ाहिर है माह मुबारक रमदान है और इसका ये आखिरी अशरा बहुत ही अहम है, इसकी खुसूसन ताक रातें जिनमें से आज की शब तरजीहन तमाम रातों पर बरतरी आज की शब रखती है, और इसमें हमारे सामने जो कुछ इस वक्त सूरत हाल है उसको भी मद्देनज़र रखना है। और इंशाअल्लाह अपने फ़लस्तीनी भाइयों को उनकी निजात के लिए इन ज़ालिमों से आज शब खुदावंद तबारक व तआला से वो मरहला इब्तला का तलब करना है। यानी हम अपने भाइयों की निजात के लिए जो कानून अल्लाह का है, उस कानून को हम कैसे तय करें, इस तरह निजात नहीं होगी कि हम आज निजात यहाँ से मांगें और अल्लाह सुबह फ़लस्तीन में निजात मलाइका के ज़रिए भेज दे, बल्कि ये मांगें कि मैं फ़लस्तीन की निजात के लिए मैं उस अल्लाह के इम्तहान व आजमाइश में मैं भी उतरूँ, मुझे भी खुदा उसका हिस्सा बनाए, मैं भी शामिल हूँ उसके अंदर, जिस तरह से कि बहुत सारे जुनूदे इलाही उसके अंदर शामिल हैं। फिर ये प्रोसीजर तय होगा, वरना हम यहाँ आर्डर बुक कराएँ निजात का, अपनी आज़ादी का या उनकी आज़ादी का, उस तरह से आज़ादी अल्लाह ने नहीं देनी। आज़ादी हमारे ज़रिए से देनी है, हमारे हाथों से देनी है। जब मांगेंगे तो फिर इब्तला होगी, जब इब्तला होगी तो उसमें इत्माम भी करना होगा उस इब्तला को, और उस इत्माम से पहले छुट्टियों पे नहीं चले जाना, वो काम पूरा करके जाना है। फिर अल्लाह ने उनको भी निजात देनी है और हमें भी निजात देनी है। और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी तमाम कोताहियों पर मग़फ़रत तलब करें सिद्क़ के दिल से, चूँकि अल्लाह बाज़ों को इब्तला आजमाइश करता ही नहीं है, चूँकि जब देखता है कि नाकारा हो चुके हो, जंग खुर्दा, मसलन एक लोहा है जंग खा गया है उस सब को, उसको क्या बनाएं हम, उसको रिसाइकल क्या करें, भट्टी में क्या डालें इसको। इब्तला भट्टी में डालना है ना, पिघलाना है, पिघला के उससे नई चीज़ बनानी है। तो जिस लोहे को जंग खा गया है, तबाह कर दिया है, वो तो भट्टी वाले उठा के बाहर फेंक देते हैं कि इस स्क्रैप से कुछ भी नहीं बनता। उसके अंदर कुछ तो बचा हुआ हो ताकि उसको भट्टी में डाल के पिघला के आजमाइश में डाल के दोबारा उससे कारामत चीज़ बना दें। तो वो जंग कैसे दूर होगा? इस्तिग़फ़ार से, खुदावंद तबारक व तआला से मग़फ़रत तलब करें, तौबा, तौबाए नसू, धोखा ना। ये ना हो कि आज शब रोता हूँ, आज शब खुदा को धोखा देता हूँ, कल से फिर वही काम शुरू करूँगा। ना, वो ना हो, ऐसा ना हो। बल्कि बाज़ लोगों को देखा गया है कि आमाल के अंदर, मस्जिद के अंदर ही उन्हीं कामों में मुब्तला हैं जिनसे खुदा से रो रो के माफ़ी मांग रहे हैं। तो माफ़ी का मतलब यह है कि वो जंग सारा उतारना है। जब सारा जंग उतारेंगे फिर आगे इब्तला है और फिर इत्माम है और फिर अल्लाह की तरफ से निजात है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ये तौफीक हम सब को अता फ़रमाए। हम अपनी आज़ादी, गुनाहों से आज़ादी, जुल्म व सितम से आज़ादी, असारत व कैद व ज़िल्लत से आज़ादी, और इसी तरह अपने मज़लूम फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए अल्लाह से तौफीक तलब करें और उस आज़ादी के अमल का खुदा हमें हिस्सा बनने की तौफीक अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। और उसका एक छोटा सा मरहला, बहुत इब्तदाई, शायद वो उतना अहम मरहला भी शुमार ना हो, लेकिन हमें जो मुयसर है वो ये है कि रोज़े क़ुद्स है इंशाअल्लाह, अगले जुम्मे को जो एक दिन के बाद आने वाला है। इंशाअल्लाह हम सब सआदत हासिल करेंगे जुम्मा के अंदर भी, और फिर इंशाअल्लाह उस अमल का भी हिस्सा बनेंगे और वहीं पर हमारी सदाकत साबित होगी कि लैलतुल क़द्र बैठ के जो तलब किया है उसमें कुछ सच्चाई भी थी या नहीं थी। ये ना हो कि लैलतुल क़द्र कुरान सर पे रख के और फिर क़ुद्स में शामिल ना हो, तो ये धोखा हो जाएगा। ये कुरान सर पे रखना, इसलिए सब मोमिनीन जितने भी हैं पूरे मुल्क के अंदर, तमाम अपने गाँव में, अपने घरों में, शहरों में, अगर रैलियों में जाना नहीं भी मुश्किल है, मकदूर नहीं है, तो मेरी ये दरख्वास्त है कि उस टाइम पे तकरीबन जुम्मा सारे मुल्क में 2 बजे के करीब ख़त्म हो जाता है। 2 बजे से लेकर आप कुछ टाइम ऐसा रखें कि सब घरों से बाहर आ जाएं और सब घरों से बाहर निकल कर वो सब दुनिया को दिखाएं। आपके पास मोबाइल हैं, तस्वीरें हैं, ये सारी अपने घरों से बाहर निकल कर ये तस्वीरें बनाकर ये नशर करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के तुफ़ैल हमें खुदा निजात देगा और हमारे मज़लूमों को भी निजात देगा। और जो रैलियों में आ सकते हैं वो उनमें शिरकत करें, किसी की भी रैली हो, ये ना देखें कि ये किसकी तरफ से है, जिसकी तरफ से भी है, नहीं है तो अपनी अलग बना लो रैली और हतमन निकलो, क़ुद्स को बाहर निकलो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम पे रहम करे और मुसलमान इस ज़िल्लत व खारी से बाहर आएँ। फ़लस्तीन ज़िल्लत में नहीं है, फ़लस्तीन ज़िल्लत से निकल गया है और गज़ा ज़िल्लत से निकल गया है, बाकी सारी दुनिया इस्लाम ज़िल्लत में डूबी हुई है, फ़िरऔनी निज़ाम की ज़िल्लत में डूबी हुई है। अगर निजात हासिल की है तो सिर्फ़ गज़ा ने और फ़लस्तीन ने हासिल की है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस जुल्म से निजात अता फ़रमाए और इन ज़ालिमीन को जुल्म समेत नीस्तो नाबूद फ़रमाए इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن